प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाइड किया था, उस पर हम लोग मेनली फोकस किए थे हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग जो सी लीनियस कैरलस लीनियस ने दिया था, जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम आते थे। दूसरा जो किंगडम था थ्री किंगडम, जिसमें प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, इसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तीसरा जो है आपका जो फोर्थ किंगडम क्लास था, जिसमें जो किंगडम नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था वो मोनरा था बैक्टीरिया, और अलॉन्ग विद थ्री किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट एंड एनिमल। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस बीटा का सबसे लेटेस्ट है और एक्सेप्टेबल है, इसी किंगडम से पूरे को हम लोग को जानना है, आगे हम लोग इसी किंगडम से पढ़ना है इसमें आपका। और सिक्स किंगडम में डोमेन सिस्टम था, डोमेन वन, डोमेन टू, डोमेन थ्री। डोमेन वन में आर्चियो बैक्टीरिया आता है, डोमेन टू में व्यू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया, और डोमेन थ्री में आपके चार किंगडम आते हैं, उसमें आपके किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, और बैक्टीरिया में आर्चियो एंड व्यू बैक्टीरिया मिला के सिक्स किंगडम। तो ये तीन डोमेन सिस्टम पे काम करता है, इसको कार्ल वूज ने एक साइंटिस्ट था उसने बताया। ये सिस्टम भी उस तरह से आपको पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया, उसके बेसिस पे नहीं किया गया। और हम लोग का जो किंगडम था वो फाइव किंगडम से ही आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम को हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को अलग अलग किंगडम में पढ़ना है, और अलग अलग किंगडम को सब देखना है। इसी बायोलॉजिकल क्लास में हम लोग को पढ़ना है किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में करीब करीब आपके पांच से छह क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मोनरा से आएंगे आपके, एक क्वेश्चन प्रोटिस्टा से आएंगे, दो क्वेश्चन आपके फंजाई से आएंगे, और आपके प्लांटी किंगडम से अलग हो जाते हैं, और एनिमल किंगडम। तो अगर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मिला दें तो टोटल ये किंगडम में से करीब करीब आपके 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा महत्व होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम आप लोगों को हर जगह बताते चलेंगे कि नीट की भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से होते हैं, कितना क्वेश्चन आते हैं, और किस जगह से क्वेश्चन, और कहां से कैसे कैसे टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी को, सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहां से छोड़े थे। हम लोग स्टार्ट किए थे आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसको दिया था, आर एच विटाकर ने। किसने दिया था, आर एच विटाकर, आर एच विटाकर ने दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम है इसमें। इसमें जो फाइव किंगडम है, पांच किंगडम में रखा गया था। तो पहला किंगडम जो आपके थे इस तरह से, तो पांच किंगडम में पहला किंगडम इसमें जो नया किंगडम विटिकर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो फंजाई था। लेकिन इसको सीरीज लोअर, इसका जो बेसिस होता है, एक तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा सेल ऑर्गेनिज्म, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखेंगे तो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की ओर प्रोसीड करेंगे। इसलिए हम लोग किंगडम को भी उसी तरह, यानी कि सबसे लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, मोनरा में। तो पहला है मोनरा, 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 ठीक है, मोनरा, मोनरा। दूसरा जो आते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है, प्रोटिस्टा, ठीक है। और तीसरा जो नाम है आपके जो आते हैं जिसका नाम है फंजाई। क्या है, फंजाई। और चौथा जो नाम है जिसको बोलते हैं प्लांटी। और ये जो नाम लास्ट है जिसको बोलते हैं एनिमलिया, एनिमलिया, ठीक है। यहां पे जैसे किस बेसिस पे है, अगर मोनरा को देखा जाए, मोनरा किंगडम, किंगडम मोनरा को देखा जाए, तो मोनरा किंगडम यूनिसेलुलर होते हैं। कैसा होते हैं, यूनिसेलुलर, सेलुलर प्लस
यूकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक। अब आप पूछिएगा, अब ये पूछिएगा कि व्हाट इज यूनिसेल, एक सेल के बने हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसेल। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर सेल है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, सब जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो उसको तो ये पहला कैरेक्टर आपका ये हो गया। दूसरा जो मॉन्ड्रा जो होते हैं, ठीक है, इसमें तो ये मॉन्ड्रा जो आते हैं और ठीक है प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये मॉन्ड्रा जिसमें और प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे और प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसमें जो है सबसे पहले ये है यहाँ पे यूनिसेल प्लस और यू प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिसेलर है, प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये यूनिसेलर है, सेलर है, लेकिन ये कैसा है प्लस यूकैरियोटिक, सभी यहाँ पे यूकैरियोटिक, ठीक है, यूनिसेलर प्लस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। फंजाई के केस में क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर फंजाई कैसा है, मल्टी सेलुलर मानी बहुत सारे सेल्स का ये बना हुआ होता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो ये जो होते हैं ये आपका सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, कैसा होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को लेता है, इस पर डाइजेशन करना नहीं होता है, समझ रहे ना, और ये जो होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तीसरा जो है इसका सेल वॉल जो है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, क्या चीज का बना होता है सेल वॉल, काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन एक तरह का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है जिसमें हम लोग बनते हैं, ये सेल वॉल। उसी तरह प्लांट भी जो बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट और प्लांट जो होते हैं मल्टी सेलुलर, कैसा है मल्टी सेलुलर, ठीक है मल्टी सेलुलर। दूसरा ये होते हैं, ठीक है सभी, दूसरा क्या आता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक समझ गए जिसमें न्यूक्लियस बिल्ड अप हो। और तीसरा जो है प्लांट में होते हैं सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और ये सेल वॉल जो होते हैं याद रखिएगा, सेल वॉल जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें क्या जाते हैं आपके सेलुलोज का बना होता है, किसका बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और यहां पे एनिमल के बारे में भी देखेंगे तो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। दूसरा ये भी ऑल एनिमल्स जो है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, और सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। एक और इसको रिकॉल कर लेते हैं यहां पे, देखिए ये जो फाइव किंगडम क्लास में पांच किंगडम दिया है, किंगडम मॉनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। देखिए स्टार्ट जो मोटर है ये लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू किए हैं, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, ठीक है यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, और ये प्रोकैरियोट होने के कारण इसमें जो आते हैं इसका हम लोग इसका एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या बीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसमें, ठीक है। इसका प्रोटिस्टा जो है एक सेल का बना हुआ लेकिन यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सेल है लेकिन कैसा न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड। इसमें जो रहते हैं इसके जो एग्जांपल आते हैं जिसके नाम है अमीबा, 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 यूग्लिना, यूग्लिना, ये सब। फंजाई मल्टी सेलर है तो इसमें जो आते हैं मेन फंजाई जैसे कॉमन फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट, इस तो यूनिसेलुलर है एक्सेप्शन है, तो सबसे पहले मल्टीसेलुलर वाला दिखा देते हैं कि इसमें राइजोपस, राइजोपस,
एल्गी इसमें आते हैं। प्लांटी में सबने एल्गी, इसमें कौन सा है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और ब्रायोफाइट्स, टेंडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये आपके यहाँ पे ऐसे चल रहा है। और एनिमल में आपके जितने भी एनिमल्स आ गए सभी चीज है, सेल वॉल नहीं रहेंगे, लेकिन एनिमल्स में जो आते हैं सभी जो जितने भी आते हैं एनिमल्स में, ठीक है, आपका साइकॉन, ठीक है, हम लोग आ जाते हैं मैन, ये सब एनिमल्स में, ये आपके क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, क्या करना है एक एक करके आप लोग को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे आपको पांच किंगडम देख लिए, पांचों किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए। अब ये हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके आते हैं, हम लोग मोनरा से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, मोनरा से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहां से कहां से स्टार्ट करते हैं, मोनरा से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग मोनरा से स्टार्ट करेंगे। मोनरा जो है, मोनरा किंगडम है ये आपका मोनरा। देखिए मोनरा में, मोनरा में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर। पहले है हम लोग है, पहला जो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग मोनरा, इसमें आप करीब करीब आपके दो क्वेश्चंस आपके मोनरा से आएंगे, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ना है, ये सब होगा। या तो रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आएंगे, या दूसरा क्वेश्चन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर से रहे, स्ट्रक्चर फॉर्म से रहे, या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से रहेंगे। तो दो क्वेश्चंस आपके यहां से आने ही आने नीट में, ठीक है। तो ये आपका नीट के लिए ये आ गया, हम बता दिए। अब देखिए बैक्टीरिया में जो आते हैं, हम लोग को मोनरा में पढ़ना है, इसका जो मेन पढ़ना हम लोग को है मोनरा में, जिसका नाम है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग को ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ना है, माइक्रोप्लाज्मा इस पर पढ़ना है, तो ये सब हम लोग होता है। हम लोग बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे मोनरा में, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया सब क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, दे आर, पहला क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, दे आर प्रोकैरियोटिक। दूसरा है इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो वी आर लुक एट इंसिपिएंट न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, तीसरा है इसमें क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, एब्सेंस ऑफ व्हाट, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, और साइटोप्लाज्म में जो लिविंग सेल बॉडी होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल। तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाए जाते, एब्सेंस होते हैं, समझ गए ना। तो ये बैक्टीरिया हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस तरह तो बैक्टीरिया है, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फाउंडर भी बोले जाते हैं, एवी लिवन हॉक को। ये सब साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों में बता देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ सी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम लोग अलग अलग, तो इसमें इसलिए नाम है, इसे नाम याद रखने से पहला बैक्टीरिया है कॉकस, कॉकस, दूसरा बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, बैसिलस, तीसरा बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो, 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 चौथा बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरलम, स्पाइरलम, और पांचवा बैक्टीरिया का नाम है प्लियोमॉर्फिक, प्लियो, प्लियोमॉर्फिक, ठीक है, ये पांच तरह का हम लोग बैक्टीरिया यहां पे बताए, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेप, तो सेप कॉकस बैक्टीरिया जो होते हैं कैसा होते हैं, सर्कुलर बैक्टीरिया, कैसा होते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर देखेंगे तो इस तरह का बैक्टीरिया, सर्कुलर समझते हैं, वृत्ताकार, वृत्ताकार का आकार की बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं कॉकस बैक्टीरिया, ये सर्कुलर शेप होती है। दूसरा जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं रॉड छड़नुमा, रॉड सेल, रॉड सेल, कैसे होते हैं, रॉड सेल, रॉड सेल बैक्टीरिया होते हैं, इसको कैसे होते हैं, छड़ के नुमा, ये छड़ जैसे होते हैं इस तरह से, इस तरह से, बस। तीसरा विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो में कॉमा सेल कैसे होते हैं, कॉमा सेल, इंग्लिश का जो पंक्चुएशन होता है कॉमा, इसके जैसा, कॉमा के जैसा, इस तरह से कॉमा के जैसे कॉमा लगाते हैं ना, इस तरह से कॉमा जैसे हम लोग लगाते हैं ये करने के लिए। और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं स्पाइरलम कैसे होते हैं, इलांगेटेड, 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 यानी कि इस तरह से, इलांगेटेड बैक्टीरिया इस तरह से, देखिए सेव किया हम बता दिए यहाँ पे कॉकस सर्कुलर, उसके बाद प्लियोमॉर्फिक, एक्वायर एनी सेल, एक्वायर एनी सेल, कोई भी सेल को है, तो यहाँ पे सेल फिक्स नहीं है, कोई भी सेल आपका उठा रहा है, कोई देखिए कोई भी सेल बना ले रहा है, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे नाम होता है प्लियो निमोनिया लाइक प्लियो, मतलब उसका सेल अलग अलग होता है, कोई भी सेल एक्वायर करता चल जाता है, तो यहाँ पे हमको ये बैक्टीरिया सेल के अनुसार होते हैं, अगर वृत्ताकार है तो उसको कॉकस बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर वो रॉड छड़नुमा है तो उसको बोलते हैं आपका बैसिलस, अगर वो कॉमा सेप्ट होता है, इंग्लिश में जो पंक्चुएशन होते हैं कॉमा देते हैं हम लोग, उसके आकार का रहता है, जैसे विब्रियो कॉर्ला आपको नाम सुना होगा, ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया में ई कोलाई आते हैं, डिप्लोकॉकस निमोनियाई कॉकस बैक्टीरिया में नाम होते हैं, स्पिरुलिना में होते हैं स्पिरुलिना बैक्टीरिया, और प्लियोमॉर्फिक में कोई भी सेप आकार के ले लेने वाला बैक्टीरिया आपको बोलते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जा सकते हैं कि शेप ऑफ द कॉकस बैक्टीरिया इज, चार ऑप्शन दे देंगे, इलांगेटेड, बैसिलस, सर्कुलर, नॉन ऑफ दीज, तो क्या होगा, ठीक है, शेप ऑफ द बैसिलस बैक्टीरिया, चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक रॉड शेप देगा, क्या ये हो जाएगा, विब्रियो में, ठीक है, विब्रियो में किस तरह के बैक्टीरिया का शेप होते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक कॉमा शेप देगा तो वो हो जाएगा, इलांगेटेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड ऐसे दे सकता है, आर कॉल्ड, तो चार ऑप्शन देगा, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरलम, नॉन ऑफ दीज, तो क्या होगा, स्पाइरलम, और बैक्टीरिया विच एक्वायर एनी शेप विच कम इन कैटेगरी ऑफ, नाम देगा तीन चार, और उसमें एक नाम प्लियोमॉर्फिक भी देगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम कर सकते हो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो और मीट के लिए तैयार कर सकते हो, तो ठीक है, आपके किंगडम लेवल पे बता दिए मॉड्रा स्टार्ट किए, तो मॉड्रा पूछेगा कि मॉड्रा में जो होते हैं किस तरह के सेल्स होते हैं, विच टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन मॉड्रा, पहला है यूकेरियोट, दूसरा प्रोकेरियोट, तीसरा बोथ, चौथा नॉन ऑफ दीज, तो इसमें क्या होगा, ऑल बोनस आर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहेगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो न्यूक्लियर के कंटेंट कहां पर रहेंगे,
साइटोप्लाज्म। कहाँ रहेंगे? साइटोप्लाज्म। यहां तक तो क्लियर हो गया? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग शार्प करते हैं कि बैक्टीरिया को ही। अब हम लोग बैक्टीरिया का देखते हैं, यहां पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देखिए अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हम लोग चल रहे थे, अब हम लोग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ही, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ही हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अब देखिए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यहां पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो दो बैक्टीरिया अरेंज रहता है, जैसे कॉकस एंड बैसिलस अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट अरेंज के हिसाब से। तो पहला है, ठीक है, पहला है, नाम है मोनोकॉकस। मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल। मोनो का मतलब सिंगल, मोनोकॉकस या मोनोबैसिलस। मोनोकॉकस और मोनोबैसिलस का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल होते हैं। तो जब है अगर बैक्टीरिया, ये कॉकस बैक्टीरिया सर्कुलर होते हैं, अब बैसिलस बैक्टीरिया कैसा होते हैं? रॉड से। तो अगर सिंगल रहेगा इसको बोलेंगे, इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, सिंगल सिर्फ रहेगा, ठीक है, हाइफन दिए, ये हाइफन देने का मतलब ये मोनोकॉकस हो गया और ये मोनोबैसिलस हो गया। तो ये मोनोकॉकस एंड मोनोबैसिलस अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं, या दूसरा नाम हम लोग ऐसे दे सकते हैं, अपन ऐसे दे सकते हैं, ये डिप्लोकॉकस या डिप्लोबैसिलस। तो मोनो डिप्लो का मतलब अरेंजमेंट जैसा कैसा होगा, ये दो के फॉर्म में होंगे, दो के, डिप्लो का मतलब दो, तो ये ऐसे या ये ऐसे करके रखेंगे, दो बैक्टीरिया ऐसे अरेंज है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोकॉकस। या और ये दो बैक्टीरिया जो बैसिलस बैक्टीरिया, दो क्या अरेंज ऐसे करके बन जाए, दो, इसको बोलेंगे डिप्लो बैसिलस। दो के अरेंजमेंट है ना, टू के अरेंजमेंट में कैसा है? टू के ये सिंगल, ये भी सिंगल, ठीक है। तीसरा नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस या स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब स्ट्रेप्टोकॉकस और स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो का मतलब अगर बैक्टीरिया कड़ी रूप में रहे, कड़ी में चेन के फॉर्म में रहेगा, लगातार रहे इस तरह से। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए सिंह ऐसे है, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे? चेन नुमा, कड़ी नुमा बन गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। और अगर ये बैसिलस में भी चेन बनते चला गया, छोटा छोटा ये चेन बनते चला गया, ये चेन बनते चला गया, तो क्या बोलेंगे इसको? ये चेन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो अगर कड़ी में रहेगा, चेन कड़ी में रहेगा, तो उसको इस तरह से नाम दिया गया। चलिए चौथा है स्टीफाइलोकॉकस। ये कॉकस में ही होते हैं, इसलिए सिर्फ नॉर्मल कॉकस कहें। स्टीफाइलोकॉकस का मतलब बंच ऑफ ग्रुप ग्रेप। कैसा? बंच ऑफ ग्रेप। अंगूर का जो गुच्छा आप लोग देखते हैं, ये अंगूर का जो गुच्छा आप लोग देखते हैं, इस तरह का जो बैक्टीरिया का रहेगा, से इस तरह से, समझ रहे हैं ना, ये जो बैक्टीरिया का जो सेप रहेगा, ऐसे सेप और ऐसे सेप का रहेगा, तो ये बंच ऑफ ग्रेप्स जो अंगूर का जो गुच्छे के जैसा रहेगा, इसका नाम पड़ जाएगा, क्या बोलते हैं? स्टीफाइलोकॉकस। तो ये बैसिलस में नहीं बन पाता है, बैसिलस में इस तरह का सेप नहीं बन पाता, कभी भी नहीं बन पाएगा, देखिए वो लंबा होता है, जब भी आएगा तो टर्मिनल इस तरह नहीं हो पाएगा। एक नाम है सर्सिनल,
सरसीनल, सरसीनल, सरसीनल बैक्टीरिया जो है इसके अरेंजमेंट कैसे रहेंगे आपका क्यूबिक फॉर्म में, कैसा रहेगा क्यूबिक फॉर्म, जैसे ये आपका इस तरह से क्यूब, क्यूब समझते हैं ना घन, ये क्यूबिक फॉर्म में का बैक्टीरिया का रिजल्ट रहेगा इस तरह के, तो इसको बोलेंगे सरसीनल बैक्टीरिया। तो देखिए हमने आपको मोनोकॉकस मोनोबैसिलस यानी कि सिंगल बैक्टीरिया अगर रहेगा तो ये मोनोकॉकस या सर्कुलर बैक्टीरिया, एक अकेला रहेगा तो मोनोकॉकस, और बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया अकेला रहेगा तो मोनोबैसिलस, दो के फॉर्म में रहेगा डिप्लोकॉकस और या डिप्लोबैसिलस, छह कड़ी के रूप में रहेगा, कड़ी नुमा रहेगा तो स्ट्रेप्टोकॉकस और ठीक है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्टिफिलोकॉकस अंगूर के ग्रेप लाइक कैसा रहेगा, ये जो आपके जो है स्टेफाइलोकोकस है सिंगल आपके अरेंजमेंट है, ये तो आपका सिंगल है, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है डबल, और ये चेन की फॉर्म है, और ये बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, और ये जो है क्यूबिक फॉर्म, कैसा है क्यूबिक, क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म है, ये ऐसे आए तो क्यूबिक फॉर्म में आ गए, तो ये इस तरह से ऐसे ही। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने सर्कुलर बैक्टीरिया और रॉड शेप यानी कि कॉकस और बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में हमने होप आप लोग यहां पे समझ सकते हैं। तो कैसे हैं तो अरेंजमेंट ऑफ टू बैक्टीरिया पूछेगा क्वेश्चन, तो क्या बोलेंगे डिप्लोकोकस, चेन ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ठीक है चेन अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, चार पांच ऑप्शन देगा उसमें एक ऑप्शन स्ट्रेप्टो कॉकस की रहेगा तो भी देंगे, ठीक है बंच ग्रेप शेप बैक्टीरिया कॉकस बैक्टीरिया व्हिच अरेंज इन ग्रेप शेप इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे सरसी स्टिफिलोकॉकस। ये सब क्वेश्चंस यहां से आपके पूछे जाएंगे। अब यहां पे हम साफ करते हैं, ठीक है ये वाला हम लोग साफ करते हैं, होप आपको यहां पे आ गया। एक होता है एक होता है अब ये है बैक्टीरिया में, ठीक है आपका बैक्टीरिया में अगर आपका एक चीज है कि अब जो है ठीक है बैक्टीरिया में अब है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, ठीक है फ्लैग देखिए फ्लैग ला, ठीक है अब किस बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला ठीक है फ्लैजिला के बेसिस पे, अब ये फ्लैजिला के बेसिस पे है तो अगर ये जो फ्लैजिला दो तरह के कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं एक में, ठीक है तो फ्लैजिला पर ठीक रहेगा फ्लैजिला एब्सेंट करने मतलब उसको बोलते हैं एक ट्राइकस, एक ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है इसमें क्या रहेगा फ्लैजिला, फ्लैजिला ठीक है और दूसरा जो है आपका जो बैक्टीरिया के नाम आते हैं उसका नाम है ट्राइकस, ट्राइकस बैक्टीरिया इसमें क्या रहेगा फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। तो दो कैटेगरी के बैक्टीरिया हो गए, दो कैटेगरी के बैक्टीरिया हो गए, एक ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा और जिसमें फ्लैजिला रहेगा, फ्लैजिला रहेगा। इसमें जो टाइप्स ऑफ ट्राइकस बैक्टीरिया में हम लोग आएंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइकस बैक्टीरिया यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको यहां से घेर देते हैं, ठीक है टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ ट्राइकस बैक्टीरिया, ट्राइकस बैक्टीरिया देखिए यहां पे एक नाम है पहला मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस ठीक है मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला कैसा रहेगा सिंगल फ्लैजिला, फ्लैजिला एक को बोलेंगे फ्लैजिलम, सिंगल को क्या बोलेंगे ऐसा रहेगा बड़े बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया से जो आपका फ्लैजिला जो निकल रहा है आपका ये सिंगल फ्लैजिला निकल रहा है, कैसा निकल रहा है सिंगल फ्लैजिला निकल रहा है, ये फ्लैजिलम है ठीक है तो सिंगल फ्लैजिलम निकल रहा है तो उसको मोनोट्राइकस। दूसरा जो नाम आएगा दूसरा नाम जो आते हैं कि यानी कि
एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है। एम्फीट्राइकस का मतलब बोथ एंड फ्लैजेला, बोथ एंड फ्लैजेला। ये बैक्टीरिया हम लोग बनाएंगे, ये देखिए ये बैक्टीरिया हमने बनाया, तो दोनों एंड से छोर से एक बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला निकल गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। तीसरा जो नाम हम लोग देंगे, तीसरा जो नाम देंगे जिसका नाम है सिफेलोट्राइकस, 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 ठीक है। वन एंड कंटेन, वन एंड कंटेन मेनी फ्लैजेला, कौन सा, मेनी फ्लैजेला, वन एंड कंटेन मेनी फ्लैजेला। अब देखिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया के एक एंड से, एक एंड से बहुत सारे फ्लैजेला निकल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सिफेलोट्राइकस। एक नाम होता है, दूसरा नाम होता है, जैसे आप लोग दूसरा नाम है जिसका नाम बोलते हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, इसमें क्या होता है, बोथ एंड कंटेन मेनी फ्लैजेला, बोथ एंड कंटेन मेनी फ्लैजेला, मेनी फ्लैजेला, यानी कि दोनों एंड से, यहां पर देखिए यहां पर दिखा रहा है, ये दोनों है, ये दोनों एंड से, ये दोनों एंड पे क्या रहेगा, फ्लैजेला रहेगा। ये हो गए लोफोट्राइकस। एक लास्ट होते हैं जिसका नाम है, जिसका नाम है पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस, इसमें होल बॉडी, होल बॉडी कंटेन फ्लैजेला, कंटेन फ्लैजेला, इसमें होल बॉडी कंटेन फ्लैजेला हो रहा है। देखिए होल बॉडी कंटेन फ्लैजेला का मतलब बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, एक सिंगल बैक्टीरिया है, और इसमें चारों एंड से, सभी एंड से, होल बॉडी से क्या हो रहा है, फ्लैजेला निकल रहा है, क्या निकल रहा है, फ्लैजेला, सब एंड से निकल रहा है फ्लैजेला, इसको बोलेंगे। तो फ्लैजेला के अनुसार बैक्टीरिया में है मोनोट्राइकस, अगर सिंगल फ्लैजेलम रहेगा, अगर दोनों एंड से फ्लैजेला निकलेगा एम्फीट्राइकस, अगर एक एंड से बहुत सारे फ्लैजेला निकल रहा है उसको बोलेंगे सिफेलोट्राइकस, और दोनों एंड से बहुत सारे फ्लैजेला निकल रहे हैं लोफोट्राइकस, और पूरे बॉडी के, बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस से फ्लैजेला निकल रहा है उसको बोलते हैं पेरी, पेरी का मतलब सराउंडिंग, पेरिट्राइकस। तो आज हम लोग फ्लैजेला के बेसिस पे हम लोग जाने, उसके बाद फ्लैजेला नहीं रहेगा एक ट्रैकर्स जाने, उसके बाद सेप के अनुसार जाने, कॉकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड सेप, और विब्रियो बैक्टीरिया, स्पर्नम बैक्टीरिया एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, और उसके अरेंजमेंट के हिसाब से मोनोकॉकस, डिप्लोबैसिलस, ठीक है, मोनोकॉकस मोनोबैसिलस, डिप्लोकॉकस डिप्लोबैसिलस, दो के अरेंजमेंट, स्टेप्टो चेन के फॉर्म में उसको स्टेप्टोकॉकस स्टेप्टोबैसिलस, और अंगूर के गुच्छे जैसा कॉकस रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टीफाइलोकॉकस, और क्यूबिक फॉर्म में रहेगा सस्मिलस। ये बैक्टीरिया के हम लोग पहले जान गए मोनरा में, ठीक है। अब यहीं तक रखते हैं, यहीं से जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं आपको वो भी हम बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सिंगल एंड बैक्टीरिया रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, दूसरा दोनों एंड से बैक्टीरिया अगर निकलते हैं फ्लैजेला तो उसको क्या बोलेंगे, एक एंड से निकलते हैं तो क्वेश्चन पूछा इंसिफेलोट्राइकस, सो फ्लैजेला एनर्जेज फॉर्म, ठीक है, वन एंड कंटेन मेनी फ्लैजेला, या ठीक है, यानी दोनों एंड से निकलता है या एक एंड से निकलता है, ये भी सब है। तो आपके आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं, होप आप लोग को हमने और नीट के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, तो एक ही साथ से भी दे दिया है, फ्लैशलाइट दिया था, हमने इसको तोड़ के और आपके साथ रखा है कि आप इसको अच्छा से, ठीक है। अगला बार हम लोग करेंगे बैक्टीरिया का स्टेनिंग कैसे करते हैं, कलर करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तक हम लोग यही रखते हैं, चलिए होप आप लोग को समझ में आया है, और इसी तरह से लीजिए, देखिए इतने साले का अनुभव होने से अच्छे रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस किया है, तो आप लोग इसका भी फायदा आप लोग लें, और कैसे क्वेश्चन होते, ठीक है, ओके, थैंक यू।